आज हम एक कविता पढ़ेंगे और इस कविता का नाम है खिलौने वाला, और इसकी जो रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके बाद में आप भी गा सकते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता, पिंजड़े में गेंदे एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल। चाबी भर देने से बक बक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, परमा यह मैं कभी न लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊं। परमा बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा। किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मनचाही चीजें देगा। बच्चों तो अब इसके प्रश्न और उत्तर देखेंगे, और प्रश्न उत्तर इस प्रकार है। कविता और तुम, इसका पहला प्रश्न है, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे, यानी आपके घर में ऐसे मौके तो बहुत आते होंगे जिन पे आप रूठ जाते होंगे, ठीक है। उसे संबंधित पहला प्रश्न है, अक्सर तुम किस तरह के बातों पर रूठती हो, यानी आप किस तरह के बातों पर रूठ जाते हो। तो उत्तर है, जब हमें कोई डांट देता है या हमारी मनपसंद वस्तु नहीं देता है तो हम रूठ जाते हैं, यानी हमें कोई डांट देता है तो हम रूठ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं, यानी कभी जब तुम रूठ जाते हो तो कौन मनाता है घर में। तो उसका उत्तर है, घर में माँ के अलावा पिताजी, दादाजी, दादी जी और बड़े भाई बहन हमें मना लेते हैं, यानी
मम्मी के अलावा हम ही पिताजी माताजी और दादाजी भी मनाते हैं। उसके बाद देखो प्रश्न दूसरा है, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुरे पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहार के बारे में, उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो ये सब आपको पता ही है। अब इसका उत्तर वैसे मैंने देने की कोशिश की है कि जो बुराई पर यानी बुरे पर अच्छाई की जीत का प्रमुख त्यौहार है वो है दशहरा, जो भगवान श्री राम की रावण पर जीत का प्रतीक है, यानी भगवान श्री राम ने उस पर रावण पर जीत की थी उस। अब अगला तीसरा प्रश्न है, तुमने रामलीला के जरिए या किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। या तो आपने रामलीला कभी देखी होगी या फिर कोई कहानी सुनी होगी भगवान श्री राम की। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी, यानी भगवान राम की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी वो बताना है। तो उत्तर यहाँ पे दिया है, देखो, श्री रामचंद्र एक आज्ञाकारी पुत्र तथा मर्यादा पुरुषोत्तम राजा थे। उनके यही गुण हमें प्रभावित करते हैं, यानी वो एकदम मर्यादा से मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, राजा थे, आज्ञाकारी पुत्र भी थे। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। अब देखना है यहाँ पे भाव छांटने हैं। देखो, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, कि कौन सी लाइन से हमें पता चला कि खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो वो लाइन है, कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है, इस लाइन से हमें पता चला कि वो साड़ी नहीं बेचता है। उसके बाद देखो, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। तो देखो उस लाइन, वो जो लाइन है उससे पता चला, जोर जोर वह रहा पुकार, वो जोर जोर से आवाज लगा रहा है, पुकार रहा है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। तो देखो, कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार, इससे पता चला। अगला प्रश्न देखो, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो ये जो कविता है इसके जो भाव हमें पता चले हैं जिन लाइन से, जिन पंक्तियों से हमें पता चला है, तो वो पंक्तियां हैं, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, और यानी कौन हमें मनाएगा और कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा, ये लाइन थी। प्रश्न पांचवा देखिए, मूंगफली ले ले मूंगफली, करम करारी टाइम पास मूंगफली, यानी गरम गरम करारी करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को इसी ऐसी आवाजें लगाते हुए जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से आते हैं और वे किस ढंग आवाज लगाते हैं, कौन से ढंग से आवाज लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं उनका भी एक संग्रह तैयार करो, यानी जो फेरी वाले जो आते हैं उनका आपको संग्रह तैयार करना है, किस तरह से वो बोलते हैं, कैसे आवाजें निकालते हैं। तो उत्तर है, गले मोहल्ले में सब्जी वाले, कबाड़ी वाले आदि आते हैं और वो निम्नलिखित आवाजें लगाते हैं। जैसे सब्जी वाला बोलता है, आलू ले लो आलू, बैंगन लो घिया लो, टमाटर लो मूली लो गाजर लो, इस तरह से वो आवाजें लगाते हैं। अब जैसे कबाड़ी वाला है तो बोलता है, कबाड़ी वाला, इस तरह से आवाजें लगाता है। कपड़े वाला है तो वो कैसे लगाएगा, सूट वाला बढ़िया साड़ी वाला, सूट वाला सूट ले लो साड़ी ले लो, इस तरह से आवाजें लगाता है। और फल वाला लगाता है, केले ले लो केले, केले ले लो लाल चित्रीदार केले, इस तरह से वो आवाज। आगे देखो, खेल खिलौने, इससे कुछ प्रश्न लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी या करोगे और क्यों? गेंद, हवाई जहाज, मोटरगाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी गुड़िया, बर्तन, सेट धनुष, बाण बल्ला या और कुछ, आपको ये बताना है। तो देखो, ये मैं मेरी चॉइस से इसमें लिखा है, मैंने लिखा है, मैं इन खिलौनों में से हवाई जहाज लेना पसंद करूंगी या करूंगा, क्योंकि मुझे नीले आसमान में हवाई जहाज उड़ता हुआ भूत बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है नीले गगन में हवाई जहाज उड़ता हुआ। उसके अगला प्रश्न है, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? तो उसका उत्तर है, हम अपने साथियों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, लूडो, चेस आदि खेल खेलते हैं। अगला प्रश्न,
खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो, संज्ञा क्रिया आदि पहचानो। यानी नीचे यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं जिनमें आपको संज्ञा शब्द या फिर क्रिया शब्द या फिर क्रिया विशेषण शब्द ये सब पहचानना है और वो बताना है। सर्वनाम अगर हो तो वो भी बताना है, ठीक है। रेखांकित शब्दों को बताना है सिर्फ, या विशेषण है तो वो। जैसे पहला वाक्य है, पान वाले की दुकान आज बंद है, तो इसमें पान जो शब्द है वो अंडरलाइन है। दूसरा है, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है, तो दिल्ली जो है इसमें अंडरलाइन है। तीसरा है, महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा, इसमें 5 जो है वो अंडरलाइन है। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए, इसमें बोलने ये अंडरलाइन है। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है, दाढ़ी वाला, ये भी अंडरलाइन है, दाढ़ी अंडरलाइन है। इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो, ऊपर इसमें अंडरलाइन है। मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी, और रात इसमें अंडरलाइन है। तो देखो, पहला जो था पान, पान संज्ञा शब्द है, दिल्ली, दिल्ली भी स्थान का नाम है, संज्ञा है। पाँच, पाँच विशेषण है, बोलना एक क्रिया हो गई, दाढ़ी संज्ञा हो गई, संज्ञा शब्द है, ऊपर क्रिया विशेषण, रात क्रिया विशेषण, इस तरह से ये होगा। के साथ में बच्चों ये हमारा जो पाठ है वो समाप्त हुआ, हमारी कविता समाप्त हुई। आप सभी को धन्यवाद।